नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी, अभी हो रखा है सुबह का समय और आज हमारे यहाँ पानी नहीं आ रखा है, तो घर के सारे काम रुके हुए हैं। अभी कुछ काम नहीं हुए क्योंकि पहले ऊपर जो टंकी है वो चेक कराऊंगी, उसमें कितना पानी है उसके हिसाब से फिर काम स्टार्ट करूंगी करने के लिए। से कपड़े वगैरह धोने का है और अगर पानी कम होगा तो कपड़े भी नहीं धुलेंगे, और झाड़ू पोछा मतलब सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा नहीं लगाऊंगी। क्योंकि कल भी हम घर पर नहीं थे तो कल भी पानी आया हुआ नहीं आएगा शाम को पता नहीं, क्योंकि जब मैं रात को लौटी तो फिर मैंने मोटर चला के देखी तो पानी नहीं आ रखा था उस समय, नहीं तो मैं उस टाइम थोड़ा पानी भर दे दी। मॉर्निंग में उठी तभी पानी नहीं आ रखा था, अब भी दो तीन बार मोटर चला के देख ली और पानी नहीं आ रहा है, और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई हमारे पास कि पानी नहीं आएगा। तो बिना पानी की जिंदगी अधूरी है। जब ऐसा होता है ना, कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तो उसकी कमी बड़ी खलती है, तभी लगता है जहां जिस दिन पानी नहीं आता ना उस दिन लगता है कि भैया एक एक बूंदी कीमती है। वैसे तो बहाने को सब बहाते हैं, घर के बाहर धोना ये सब। तो चलिए जी, देखते हैं। अभी नाश्ता भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चे भी सोए पड़े हैं, बच्चे उठेंगे देखो, सोना यहीं पे सो रखे। बुलबुल और नैना ऊपर सोई हुई है क्योंकि कल बुलबुल हमारे साथ ही आ गई थी और उन्होंने बोला है कि वो मैक्रोनी खाएंगी, तो जब उठेंगे तभी बनाऊंगी मैक्रोनी। तो ना मैं बस उबाल के रख दूंगी उसको और देखती हूँ दोनों के लिए मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि ये तो नहीं खाएंगे मैक्रोनी, इनको इतनी पसंद नहीं आती है। तो इनसे पूछती हूँ क्या खाएंगे, अभी तो गए हैं दूध लेने के लिए तो दूध लेकर के आएंगे, और खरगोशों के लिए लेकर के आएंगे भुट्टे वगैरह, तोतों के लिए लेकर के आएंगे, तो उन सबका खाना भी लेकर के आएंगे। तो चलिए जी, देखते हैं बिना पानी के कैसे और कितने काम होते हैं। पहले टंकी चेक कराई जाएगी, जब ये बाहर से आ जाएंगे तो इनसे बोलती हूँ टंकी चेक करके आए एक बार ना कितना पानी है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। पानी नहीं आया, पानी की रीडिंग वाले आ रखे हैं, पानी की रीडिंग कराती हूँ। तो कौन से किस नंबर पे आता होगा? दो, जो इसमें ऐड करा रखा है, जिसमें ऐड करा रखा होगा। आ रहे थे, आ रहे बिल पे ना, वो एक कंज्यूमर नंबर होगा, कस्टमर केयर नंबर, उस पर बात कर लेना बिल पे। देखते हैं जी, इनके फोन पे आ रखा होगा मैसेज ना, बोल के तो गया है कि जो नंबर आपका फोन में फोन का होता है ना टच बिल के साथ उस पर आता है। बंद कर दो, सब चिड़ियाएं हैं नहीं तो उतना डर रहता नहीं मेरे को ना, खुला भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि खाली मछली है यहाँ पर। हैप्पी, नाश्ता हो गया? ए हप्पू, हैप्पी है तू? अच्छा, ये क्या करता है रात को? ना इस पे नहीं सोता, अंदर वाले कालीन पे जाके सोता है ये देखो, सोना सोई पड़ी है कंबल के ऊपर, सब कंबल के अंदर सोते हैं कंबल के ऊपर। मैंने जैकेट वगैरह कुछ नहीं उतारी इसकी ना रात को, क्योंकि फिर क्या करती है ना कंबल उघाड़ देती है ऊपर से, फिर ठंड लग जाएगी, इसलिए जुकाम हो रखा है इसको वैसे ही। तो चलो जी, नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ता बनाती हूँ, आलू मटर बनाती हूँ, हम लोग रोटियाँ खा लेंगे, बच्चे मैक्रोनी खा लेंगे। चलो, तो देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है सब्जी की, प्याज भी कर दी, लहसुन है नहीं मेरे पास आज ना, और ये टमाटर मैं इसमें चॉप करूंगी, और ये रहा कुकर में तेल, मैंने कचौड़ी बनाई थी ना उसका बचा हुआ तेल है। आधी थी ना शीश, फिर तो देखो जरा, thank you.
लेने ले मुझे नमक चटनी बताइए बेटा। वैसे ठीक होना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत चट ले। पापा क्या कर रहे हैं? क्यों चुप नहीं थी? नमक ठीक है? ठीक है ठीक है। मिर्ची बहुत तेज है, दो मिर्ची डाली मैंने। सोना गिर इसे फ्रिज में रख क्या, फटाफट मुझे चुपने दे, खा लेगी। मैं तो दे दूंगी तेरे को आधा, मुझे चाहे सोना के लिए दोबारा बनाना पड़े। सोना ऐसे मत छेड़ो, उबालने में आज नमक कम रह गया ना इसलिए। बच्चों के लिए मैक्रोनी बन के तैयार, बच्चे खाएंगे मैक्रोनी। ये लो एक बच्चा हमारा बैठ गया खाने के लिए, पानी नहीं आ रहा हमारे घर में है विषय ना, तो नहाएंगे तो नहीं, मैं ही नहाई हूँ बस, इन्हें आवाज लगाती दोनों को। नैना ले ले और सुन, लेके ऊपर छत पे चले जाना, पापा को नीचे भेज दो, खाना खा लेंगे पापा भी। पापा ले बेटा, कैसी बनी है सोनू, कैसी बनी है, है? अच्छा मेरा सिंदूर लगा लिया तूने, है? तो जी हम आ रखे नंद नगरी और देखो बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं गली में, आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये देखो, और ये कुत्ता गया है ना भाग के, अभी हम आएंगे तो भोंकता है, ये बहुत तेज तेज ना, इसे डांट दो ना भोंकना बंद। वो पूरी गली में ना बच्चे बच्चे आ रखे यहाँ पर, और सोना ने यहाँ पे आके फ्रेंड बना ली है अपनी, तो जैसे चाचा की लड़की है और इसी गेम को खेलती है ये सबके साथ, घर पर भी और यहाँ पर भी। ये देखो ये इसने नई फ्रेंड बनाई है, इसका नाम भी अंजल है। आपको दोनों बच्चे दिखाते हैं खेलते, ये देखो बन रहे चावल, हम दोनों चीख ही अंदर। सोना ऊपर आओ, सोना गिरोगे भाई, ये लड़की ना कहीं से खरगोश की हड्डी लगी है। अरे बच्चों
ये देखो इन्होंने मस्ती उतार रखी है पूरी। सर्दी में ना गर्मी लग रही है, ऐसे भाग दौड़ करके ना। गया था चुकंदर डॉक्टर के लिए, पौने ग्यारह हो रहे हैं क्या पता हो गया ना, इसके ऊपर डाल देते हैं ना, इसका लग चुका है एक बार लगा खोपड़ा बहुत तेज लगता है, उसको फैसला आएगा ना डॉगी वाला का वो गंदा हो जाता है, अकेला ही घूमा उसके ऊपर तक कवर डाल दिया, ये निकाल के धो लो, ये बच्चों ने खींच खींच के सिलाई करी मशीन। डरती क्यों नहीं तू, डर नहीं लगता तुझे, गिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अच्छा आपको काउंटिंग आती है? काउंटिंग 1 2 3 4 5 के बाद 7 कैसे आता है? 6 आता है, बिल्कुल छोड़ दो। काउंटिंग सुना पहले, 50 तक 50 तक सुना। हाँ आ रहे हैं खाना वो, नहीं वो बात बात बना रहे होंगे ना, फिर ये बीच में उठ के आ गए ना, डॉक्टर आ गया था ना इसलिए तब करके। क्या बना रही हो तुम दोनों? मैंने काम पे लगाया ही नहीं सारे हाथ, और सोना पूरा मुंह नीला हो गया, हे मेरे ईश्वर, पूरा मुंह उसे तो रखा उसने स्केच पेन से। नहीं मैंने कभी गर्म पानी क्या सकती सकती भागड़ा करने लग जाए। आपको तो तेज वाला बीवी वाला मैं आ रही हूँ, साफ करूंगा ये ना कलर से बेटा वो जाती है, तू तो हर चीज का पूरा मुंह नीला हरा कर लिया इसने, पूरा मुंह है साफ दिखा, पूरे हाथ भी तो रखे दे रहे, ये देखे मेरे हाथ क्या हल करा है सोना, ये नहीं नहीं ये उस पे कर रही है ना कलर गुब्बारे पे, तो गुब्बारे पे से हाँ पूरे पे से फेर रख, हाँ 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 वही तो, हाथ भी गीला हो रहा है मुझे साफ करने में है ना, और गुब्बारा नहीं होता गुब्बारा होता, ये रखा नहीं करो सोना, देखो पूरे हाथ नीले हो रहे हैं मेरे भी हो गए, देखो मत करो सोने कलरफुल। सोना मच्छर नहीं सारे गीले कपड़ों पे लग जाएगा बेटा, कहना मान ले तो सोना किस नाम की है पता नहीं, कपड़ा नहीं है वो रुमाल है, साफ मत करियो उससे बलून, साफ मत करियो मुझे। चलो भाई हिमांशी कर रही है बाय, हम जा रहे हैं अपने घर, चलो चलो बाय करो हिमांशी को, घर चलेंगे बेटा, चलो चलो ठीक है मन बुलबुल बाय ओके। तो दोस्तों कल मिलेंगे नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।